हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल विद्यास्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर का लास्ट वीडियो लेक्चर। जी हाँ, एग्रीकल्चर चैप्टर का 10th वीडियो लेक्चर और लास्ट वीडियो लेक्चर है। इसके पहले इस फोर्थ चैप्टर के हम ऑलरेडी 9 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्म सिस्टम, सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की और तो और हमने बात की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर क्रॉप्स की। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को कैरी ऑन करते हुए एग्जांपल कैरी आउट करेंगे दो कंट्रीज के, यानी कि ऐसी कंट्री जो डेवलप्ड है और एक ऐसी कंट्री जहां पे फार्मिंग कैसी होती है डेवलपिंग स्टेज में और एक जगह पे डेवलप्ड। तो चलिए हम देखते हैं कि फार्मिंग इन अ डेवलप्ड कंट्री एंड इन अ डेवलपिंग नेशन हाउ गोज ऑन। तो हम कंपेयर करेंगे यूएसए और इंडिया से। यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पे फार्मिंग बहुत ही डेवलप तरीके से होती है, जबकि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, अभी तक पूरी तरह डेवलप्ड नहीं हुआ है। वहाँ पर फार्मिंग किस मेथड से की जाती है उसी के बारे में हम जानेंगे और दोनों कंट्रीज के फार्मिंग के मेथड्स को हम कंपेयर करेंगे, क्या फर्क है, कैसे की जाती है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं, देखते हैं कि इंडिया में फार्मिंग कैसे की जाती है। तो फार्म सिस्टम इन इंडिया, चलिए हम देखते हैं इंडिया में फार्मिंग कैसे होती है। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और इसकी फार्मिंग मेथड क्या है, किस तरीके से, चलिए स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फार्म इन इंडिया की बात करें, यानी कि फार्मिंग सिस्टम इंडिया में और एक खेत कैसे वर्क करता है, वहाँ पे खेती कैसे होती है, इंडिया के जो किसान होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे खेती करते हैं, चलिए इसी बात को हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ये टिपिकल इंडियन फार्मलैंड इज अबाउट 1.5 हेक्टेयर्स इन एरिया। एक जो टिपिकल फार्मलैंड होता है, एवरेज फार्मलैंड क्या है, किसी का भी कंपेयर किया जाए, इंडिया में जितने भी किसान हैं उन सबको अगर हम कंपेयर करें, एक एवरेज निकालें या फिर एक नॉर्मल तौर पर देखें, तो लगभग हर किसान के पास 1.5 हेक्टेयर का खेत होता है। इससे ज्यादा कम भी हो सकता है, एवरेज निकाला जाए तो 1.5 हेक्टेयर, जो बहुत बड़ा नहीं है, यूएसए के कंपेयर में बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में जो फार्मलैंड है वो कितना है, अबाउट 1.5 हेक्टेयर होता है एरिया वाइज। ठीक है, एरिया वाइज के हिसाब से अगर हम देखें तो फार्म जो इंडिया में है उसका जो है क्या है, 1.5 हेक्टेयर है। ठीक, ये तो क्लियर, आपको बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है, यानी डेवलपिंग कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज की। यही कंडीशन को आप दूसरे डेवलपिंग कंट्री से भी कंपेयर कर सकते हैं कि उन डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरह की फार्मिंग होती है। तो इंडिया के डेवलपिंग कंट्री में जो फार्मिंग है 1.5 हेक्टेयर की खेती होती है, यानी टिपिकल इंडियन फार्मलैंड अबाउट 1.5 हेक्टेयर इन एरिया। दूसरी बात, द एचवाईवी सीड्स आर परचेज फ्रॉम मार्केट। जी हाँ, यहाँ पे जो किसान होते हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लेते हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने मेथड से भी खेती कर रहे हैं। हम इंडियंस लोग, यानी इंडिया के फार्मर्स लोग आज भी क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, एचवाईवी सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऐसे सीड्स जो लैब में बनाए जाते हैं, जो साइंटिस्ट बनाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। अब एचवाईवी सीड्स और नॉर्मल सीड में क्या फर्क, हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार बताते हैं कि अगर एक नॉर्मल बीज लेते हैं और उससे पौधा उगाते हैं तो वो हो सकता है आपको 100 ग्राम का अनाज देगा, लेकिन आप एचवाईवी सीड्स से फसल उगाएंगे उससे पौधा उगेगा तो वो 150 ग्राम से 200 ग्राम भी दे सकता है, 250 ग्राम भी प्रोडक्शन आपको दे सकता है। तो ये फर्क होता है एचवाईवी सीड्स और नॉर्मल सीड्स में। ठीक है, तो इंडियन जो है फार्मलैंड में अधिकतर फार्मर्स क्या करते हैं, एचवाईवी सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कहां से खरीदते हैं, बाजार से, दे परचेज इट फ्रॉम मार्केट। तीसरी बात, इंडिया की जो लैंड है वो तो फर्टाइल है और फर्टाइल लैंड में ज्यादा फसल उगाई जा सकती है, ज्यादा क्रॉप उगाई जा सकती है। द लैंड इज फर्टाइल एंड एटलीस्ट 2 क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। साल भर में लगभग कम से कम 2 क्रॉप तो उगाई जाती है, लैंड फर्टाइल है, साल भर में कम से कम 2 क्रॉप उगाई जाती है। कई कंट्रीज तो ऐसे स्टूडेंट जहां पर 3, कई कंट्रीज की बात करें, अपने इंडिया के कई रीजन में 3-3 फसल उगाई जाती है ना, चावल की खेती, धान की खेती 3 बार की जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, वहां पे 4-4-8-4 बार आया, यानी कि पूरे साल भर में 3 महीने करके ऐसे 4-4 महीने 3 फसलें निकाली जाती है चावल की, क्योंकि लैंड बहुत फर्टाइल है, अच्छी खेती है, अच्छा पानी बरसता है, बारिश होती है बढ़िया से, तो इस वजह से वहाँ पे खेती ज्यादा कर ली जाती है। ठीक, लेकिन सभी जगह कंडीशन नहीं है। अगर एवरेज वाइज निकालें तो इंडिया के लैंड पर एवरेज जो कंडीशन कैसी है, द लैंड इज फर्टाइल एंड एटलीस्ट 2 क्रॉप्स, कम से कम 2 फसल तो एक साल में उगाई जाती है, एटलीस्ट 2 क्रॉप्स आर ग्रोन इन ए ईयर। चौथी बात, द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, यानी खेत में हमारे मतलब खेती करने के लिए किसान को जो सजेशन देना है, आइडिया देना है कि खेती ऐसे कीजिए, आप ये फसल लगाएंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, वो फसल लगाएंगे तो कम प्रोडक्शन होगा, इस फसल में आप इतनी खाद डालिए, ये खाद डालिए तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इस तरह के एडवाइसेज देना, कब फसल लगाना है, कब नहीं लगाना है, कितने लेबर रखना है, कितने लेबर नहीं रखना है, इस तरह के जो सुझाव देने हैं, एडवाइस देना है, आइडिया देना है ना, ये कौन काम करता है, गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर ऑफिसर, सरकारी जो कृषि अधिकारी लोग होते हैं वो
आइडिया देते हैं कि किसान लोगों को, जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे न्यूज चैनल आता है डीडी किसान करके चैनल आता है, उस पर किसान को जानकारी दी जाती है कि ये फसल इतनी लगाइए, इतनी फसल में इतनी खाद डालनी चाहिए। तो इस तरह के आइडियाज, इसकी जानकारी कहाँ मिल जाती है किसानों को? या तो गवर्नमेंट ऑफिसर से, या फिर विलेज में गाँव में जो जो फेमस लोग होंगे, या गाँव में जो एक्सपीरियंस लोग बहुत सालों से खेती करते आ रहे हैं बुजुर्ग लोग, वो एडवाइस देते हैं। या घर के परिवार वाले भी कहते हैं कि फसल ये लगाइए, ये करेंगे, ये अपने के लिए अच्छा है, ये फसल लगाएंगे तो खाने के लिए अच्छा हो जाएगा। इस तरह की एडवाइसेस मिलती हैं, ठीक है, इस तरह के सजेशन मिलते हैं। तो द गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स विलेजर्स एंड फैमिली गिव एडवाइस एंड हेल्प फार्मर्स, एडवाइस भी देते हैं साथ ही मदद भी करते हैं। फैमिली के मेंबर्स हमारे साथ खेतों में चल के क्या करते हैं, काम करते हैं, हाथ बटाते हैं, फैमिली में जो बच्चे होंगे या जो भी लोग होंगे वो हेल्प करते हैं खेती में। साथ ही साथ समय समय पर फार्मर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है अक्सर, है ना। बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है, प्रोग्राम चल रहा है खेती को बढ़ाने का, जहाँ पे फार्मर्स को ट्रेन करते हैं कि मॉडर्न मेथड से, साइंटिफिक मेथड से कैसे खेती की जा सकती है, ठीक। लेकिन हमारे जो किसान है आज भी, हमारे मोस्ट ऑफ द फार्मर्स यूज कन्वेंशनल मेथड्स फॉर फार्मिंग। जी हाँ, कन्वेंशनल मेथड्स आर यूज फॉर फार्मिंग। इसमें खेती के लिए कन्वेंशनल मेथड इस्तेमाल की जाती है। अब कन्वेंशनल मेथड्स कौन कौन सी हुई, तो कन्वेंशनल मेथड में हम देखें तो अभी भी बुलक कार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, बैलगाड़ी का इस्तेमाल होगा, बुलक प्लो इस्तेमाल होगा, यानी हल जोतने के लिए बैलों का इस्तेमाल करेंगे। कोई कोई होगा जो ट्रैक्टर के लिए, मैक्सिमम लोग तो नहीं करते, बट एवरेज लोग ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ड्रिलर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कुछ तो ऐसे भी हैं जो आज भी वही पुरानी मेथड प्रिमिटिव सब्सटेंसेस फार्मिंग करते रहते हैं, वही पुरानी मेथड से फार्मिंग हो रही है, पुराने टूल्स, फावड़ा चलाएंगे, है ना, होल चलाएंगे, है ना। आपने साइंस के पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर है फार्म क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट, उसमें आपने देखा होगा पुराने मेथड्स इरिगेशन का, है ना, पर्सियन व्हील से इरिगेशन करना, बुलक से, है ना, बैल से हल जोतना प्लोग से, और फावड़ा होता है जिसको हॉय बोलते हैं, है ना। इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके खेती की जाती है, जो पुराने मेथड्स हो गए जिससे टाइम भी बहुत लगता है और अच्छा काम भी नहीं हो पाता है। तो ये प्रॉब्लम है, हमारे किसान आज भी कन्वेंशनल मेथड इस्तेमाल करते हैं, बट कोई कोई किसान ऐसे भी हो गए हैं फार्मर्स जो मॉडर्न मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें प्रोडक्शन में, खेती में, ठीक। फार्मर्स आर फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस इन मार्केट इन स्पाइट ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। हमारे किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटी है, हमारी गवर्नमेंट ने गोदाम्स बनाए हैं, गोदाम बनाए हैं, गोडाउन्स बनाए हैं, जहां पर ढेर सारा अनाज क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इस साल किसान ने ढेर सारा गेहूं उगा लिया, लेकिन इस साल गेहूं का ज्यादा अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, ज्यादा अच्छा भाव नहीं है, मार्केट में सस्ता बिक रहा है, तो किसान क्या करेगा, कर सकता है कि उस अनाज को स्टोर करके रख ले, ना बेचे। लेकिन हमारे गवर्नमेंट और दूसरे लोग जो होते हैं, जो व्यापारी लोग होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो फोर्स करते हैं कि नहीं अभी बेचो, सस्ते में बेचो, बाद में कोई नहीं खरीदेगा। तो फार्मर्स को जब नहीं बेचना, क्योंकि मर्जी नहीं चलती है, मीन्स फार्मर्स को फोर्स किया जाता है कि वो जबरदस्ती अपना सामान बेचे, अपना प्रोड्यूस बेचे। इससे किसान जो फायदा कमाना चाहते हैं वो उसे नहीं मिल पाता, ना। फार्मर्स डिस्पाइट ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, फार्मर्स आर फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूसेस इन ए मार्केट। पास के ही मंडी में, कृषि मंडी में, मार्केट में उन्हें अपना अनाज बेचने के लिए फोर्स किया जाता है, क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, वो इनका एक्सपोर्टेशन करते हैं, सताते हैं, वो ज़्यादा फायदा कमाने के लिए इनको फोर्स करते हैं कि इनका फायदा ना हो तो हमारा फायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही है। अभी की गवर्नमेंट तो दे रही है, अब जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्स हो रही है, नई नई गवर्नमेंट आ रही है पिछले लास्ट 10 ईयर्स में, उन गवर्नमेंट ने अच्छा खासा ध्यान दिया है एग्रीकल्चर को डेवलप करने पे। कई जो पार्टी होती है उनके मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र में, यानी चुनाव में वादा करते हैं लीडर्स के, हम ऐसा काम करेंगे एग्रीकल्चर के लिए, किसानों को लोन देंगे, किसानों को अच्छे चीजें मुहैया कराएंगे, मॉडर्न टूल्स देंगे कि वो फार्मिंग कर सके, ठीक है। बट इन रिसेंट गवर्नमेंट हैड टेकन सम स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटी। बट रिसेंट यानी हाल ही में सरकार ने क्या किया है, कुछ कड़े कदम उठाए हैं स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए। ये जो कृषि वाला सिस्टम है, यानी सामान बेचने का, उसके लिए यानी किसान के लिए MSP तय की जाती है। MSP मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसान का सामान इससे कम में नहीं खरीदा जा सकता। वरना क्या होता है, ट्रेडर्स लोग कम से कम एकदम लो प्राइस में खरीद लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिया उस हिसाब से एकदम कम नहीं खरीद पाएंगे, गवर्नमेंट जो लिस्ट सेट किया उससे ही खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख पा रहे हैं कहाँ पर, इंडिया में। तो इंडिया के फॉर्म में जो टिपिकल चीज़ हमें देखने मिलती है, सबसे पहले ये कि इंडिया के जो फॉर्म लैंड है वो अबाउट कितने हैं, 1.5 हेक्टर्स के है एरिया में, ठीक, ज़्यादा बड़े नहीं है, 1.5 हेक्टर्स तक होते हैं। दूसरी बात कि फार्मर जो है HYB सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, मार्केट से खरीद कर लाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ लैंड जो है फर्टाइल है, इंडिया की जो लैंड है, इस डेवलपिंग कंट्री की लैंड फर्टाइल है, और किसान जो है साल में कम से कम एटलीस्ट 2 क्रॉप्स आर ग्रोइंग, नहीं है ना, साल में कम से कम 2 फसल उगा लेते हैं।
चौथी बात गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, विलेजर्स हो गए, ये लोग किसान को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, ऑर्डर नहीं एडवाइस देते हैं कि आप इस तरह का काम करो, खेती में ये फसल उगाओ, इस दिन उगाओ, इस समय में उगाओ तो आपको अच्छा मिलेगा, इस तरह से उगाओ तो अच्छा फसल मिलेगा, आपको फायदा होगा। तो किसान को और अच्छा लगता है, उसे लगता है कि हाँ होना चाहिए, इससे फायदा होता है, तो इन चीज़ों को मानता है। ठीक, और तो और ये लोग हेल्प भी करते हैं काम में, इसके खेती में हाथ बढ़ाते हैं, वो लोन प्रोवाइड करते हैं, आइडियाज देते हैं ना, इस तरह से चीज़ें। और हमारे ये किसान जो है, इस डेवलपिंग कंट्री के किसान जो है, आज भी कन्वेंशनल मेथड इस्तेमाल करते हैं, कन्वेंशनल मेथड पुराने मेथड्स खेती के लिए। ठीक है, फार्मर जो भी प्रोड्यूस करते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी होने के बावजूद उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो क्या करें, ले जाके मार्केट में उस सामान को बेचे, जबकि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर भी उन्हें फोर्स किया जाता है, जबकि ये बात कुछ समय से बदल रही है। यानी कि जो भी किसान है वो अपनी फसल अब जरूरी नहीं कि वो बेचे ही, जब चाहे तब बेच सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी अब रखवाई गई है, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी फैसिलिटीज, ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जो किसानों को फेवर करते हैं, किसानों की रक्षा करते हैं, फोर्स नहीं करते और उनका एक्सपोर्टेशन होने से रोकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात होगी फॉर्म इन इंडिया। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे कि यूएसए का जो फार्म है वहां पर क्या होता है, किस कंडीशन में यूएसए में फार्मिंग की जाती है। ठीक है, हमने यहां पर पढ़ा कि इंडिया का जो फार्मिंग सिस्टम है, यानी इंडिया में जो लैंड है वो 1.5 हेक्टर्स के एरिया में होता है, जबकि हम बात करें अगर यूएसए की तो एवरेज साइज फार्म इन मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म, इंडियन फॉर्म से कई गुना बहुत ज्यादा लार्जर होता है। कौन सा फॉर्म? यूएसए का फॉर्म। एवरेज साइज ऑफ फॉर्म जो होता है ना, हमारे एवरेज साइज कितना है 1.5 हेक्टर्स का, लेकिन यूएसए में जो एवरेज साइज है कई हेक्टर्स का, 20 हेक्टर, 25 हेक्टर, 50 हेक्टर, बहुत बड़े बड़े लैंड होते हैं, बहुत बहुत एरिया जो होता है एक किसान खेती के लिए करता है। वो खेती मतलब ऐसा नहीं करता कि वो फार्मिंग कर रहा है, खेती बाड़ी है, उसके लिए खेती बिजनेस की तरह होते हैं ना। ठीक, दूसरी बात, ए टिपिकल फॉर्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टर्स। आप ही देख लीजिए, हमारे यहाँ जो टिपिकल फॉर्म का है एवरेज हाइट है, एवरेज जो है वो क्या है, साइज जो है 1.5 हेक्टर्स का है, जबकि यूएसए में जो एवरेज साइज है फॉर्म का वो कितना है, 250 हेक्टर्स का है, यानी आप कह सकते हैं कई गुना ज्यादा, 200 टाइम्स है ना, 200 टाइम्स डबल है। तो आप ही देख पा रहे हैं किस तरह से खेती का जो है डबल, 10 टाइम्स भी उससे ज्यादा है, कई ज्यादा। ठीक, अब आप देखिए कि एडिक्वेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट दैट कैन डैमेज द क्रॉप। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि मौसम पे छोड़ दिया जाता है, अगर बारिश अच्छी हुई फसल अच्छी हुई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, नुकसान सह लेंगे, या फिर कीड़े आ जाते हैं फसलों को खाने के लिए, उसके भी ज़्यादा उपाय नहीं किए जा पाते। लेकिन ऐसा नहीं होता यूएसए, यूएसए में पहले से ही पूरे भरपूर कोशिश होते हैं, पहले से पूरी तैयारी हो जाती है, वहां तो एरोप्लेन से दवाई छिड़कते हैं, जी हाँ, पेस्टिसाइड्स को एरोप्लेन में, बड़ी बड़ी मशीनों में ऑटोमेटिक स्प्रिंकल्स लगा दिए जाते हैं जिससे पूरी दवाई छिड़क दी जाती है ताकि फसल को कोई कीड़े मकोड़े ना खा पाए, है ना। ए टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टर्स। Adequate measures taken to control pests that can damage the crop, यानी जो भी हमारे क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं उसकी पहले से जानकारी निकाली जाती है, पहले से रिसर्च किया जाता है, दवाई बनती है और दवाई उन पर छिड़की जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है ये, पर बहुत कम अमाउंट पर, और ऐसा इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है, गवर्नमेंट कोई बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाती, सपोर्ट ही नहीं है, जबकि वहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनाइज हुए हैं, पहले से सब तैयारी होके रहती है। ठीक, फार्मर सेंड देयर सॉइल सैंपल्स, रेगुलर सॉइल सैंपल्स टू सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट। देखिए वहाँ के फार्मर्स क्या करते हैं, रेगुलरली अपने सॉइल सैंपल्स यानी अपने खेत में से मिट्टी उठा उठा कर भेजते हैं सॉइल टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में, सरकार के द्वारा बनाई गई जो लैब्स होती है ना वहाँ पर भेजते हैं, अपने सॉइल की टेस्टिंग कराते हैं कि सॉइल में किस न्यूट्रिएंट की कमी है। फॉर एग्जाम्पल अगर खेत में यूरिया की कमी है तो हम क्या करेंगे, यूरिया डालेंगे खेत में, लेकिन अगर आपने सॉइल टेस्टिंग नहीं कराई, जैसे इंडिया में क्या होता है सॉइल टेस्टिंग होती ही नहीं जल्दी, अगर हमारे यहाँ सॉइल टेस्टिंग नहीं है, आपके खेत में कमी है पोटैश की और आपको पता ही नहीं कि पोटैश की कमी है और आप खेत में यूरिया डाले जा रहे हैं खूब सारा फर्टिलाइजर, तो क्या फसल अच्छी होगी? नहीं होगी, क्योंकि उसको चाहिए कुछ और, हम दे उसमें कुछ और दें भाई, तो इससे क्या होगा, एक तो फसल भी नुकसान हो जाएगी, फार्मर ढेर सारा एक्स्ट्रा पैसा किसमें खर्च कर दिया, दूसरा न्यूट्रिएंट डालने में, फसल का नुकसान, पैसे का नुकसान, टाइम वेस्ट, और जो फर्टिलिटी मिल सकती थी खेत से वो भी नहीं हुई, यानी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। तो ये सिर्फ एक कमी की वजह से, किस कमी की वजह से, एक तो रेगुलर सॉइल टेस्टिंग नहीं होती या फिर सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है अच्छे से हमारे कंट्री में, जबकि ये यूएसए में ऐसा होता है, वहाँ रेगुलरली जो सॉइल सैंपल भेजे जाते हैं लेबोरेटरी में ताकि सॉइल टेस्टिंग हो, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट है कौन से नहीं है वो उसकी जाँच होती रहे। अगर मान लीजिए कि टेस्ट निगेटिव आती है, क्या होता है कि एक मान लीजिए पोटेशियम या यूरिया की कमी है, तो फिर फार्मर्स क्या करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं, दे प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम, ये साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम के तहत जो फर्टिलाइजर की कमी है वो फर्टिलाइजर की पूर्ति अपने खेत में करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल खेत में पोटैश उगा, पोटैश की कमी है, तो
अगर क्या करते थे, मेज लगाते थे तो पोटाश ज्यादा खर्च होता था, तो किसान क्या करेगा, वो अपने खेतों में बंद कर देगा मेज लगाना। अब वो किसकी लगाएगा, वो वीट लगाएगा, ताकि वीट यूरिया लेता है, पोटाश नहीं, तो वीट क्या करेगा, अब यूरिया खत्म करते रहेगा, तो धीरे 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 पोटाश बढ़ जाएगा अपने आप, है ना, क्योंकि पोटाश का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। फिर 2-4 साल बाद फसल चेंज कर देगी, फिर से वापस मेज पे आ जाएंगे, या फिर सेम कंडीशन वाइस वर्षा भी हो सकता है, उल्टा भी, कि पहले हम मेज लगाए बाद में वीट ला लें, है ना। तो ये कंडीशन की जा सकती है, कहाँ, ये उन खेतों में जहाँ पर सॉइल टेस्टिंग होगी, वहीं पर हम ये स्टेप ले पाएंगे ना। तो ये कंट्री यूएसए जैसे में होता है, डेवलप कंट्रीज में होता है, ठीक। फार्मर्स यूज कंप्यूटर प्रोग्राम्स फॉर प्रॉपर स्प्रिंकलिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड दिस कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद सैटेलाइट्स। जी हाँ, फार्मर्स लोग के यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक प्रॉपर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, ताकि वो अपने खेत की एक 3D सैटेलाइट व्यू ले पाएं और पता कर पाएं कि उन्हें खेत का व्यू कैसा है, कैसे हमें क्या करना है, स्प्रिंकल्स लगाने हैं, फवारे के लिए पाइप्स कैसे बिछाने हैं, किस खेत के किस कोने में या किस जगह पर डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, ढलान ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा है, तो कैसे उसे लेवलिंग करना है, कैसे हमें कितना फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। हमारा खेत मान लीजिए 1 हेक्टेयर का है, 1 एकड़ है, तो उसमें हम कितना फर्टिलाइजर देते हैं, और 3 हेक्टेयर का, उसमें कितना फर्टिलाइजर देना पड़ेगा, हमें जो स्प्रिंकल छिड़कना है, दवाई छिड़कनी है, जिसका फवारा मारना है, तो वो कितना मारना है, कितने पानी में घोल के दवाई मारनी है, कितनी दवाई, कौन सी दवाई, है ना, कब मारना है, दिन में, रात में, या किस मंथ में, फसल के किस स्टेज में, स्टार्टिंग में या बाद में, ये सारी चीजें जो है ये साइंटिफिक द्वारा, कंप्यूटर प्रोग्राम द्वारा ऑलरेडी कैलकुलेट की जाती हैं, सैटेलाइट व्यू मिलता है, ठीक। तो ये कौन लोग करते हैं, ये यूएसए के डेवलप कंट्रीज के फार्मर लोग करते हैं, किसान लोग करते हैं, ठीक। फार्मर्स इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन रदर देन इन इंडिया दे वर्क लाइक अ पीजेंट। जी हाँ, अगर हम फार्मर्स की कंडीशन की बात करें, उनके वर्किंग स्टाइल की बात करें, तो यूएसए के जो फार्मर्स होते हैं वो तो जनरली वर्क करते हैं कैसे, बिजनेसमैन के रूप में, कि वो एक बिजनेसमैन की तरह है, उस तरह से वर्क करते हैं। जबकि हम बात करें इंडिया के फॉर्म की, तो इंडिया के जो किसान लोग होते हैं वो वर्क करते हैं एज ए पीजेंट की तरह, अभी भी उसी गरीबी कंडीशन में क्या करते हैं, जीवन जी रहे होते हैं, उसी तरह खेती करते हैं, उनका काम होता है सिर्फ अपना पेट भरना, खेती करते रहो। जबकि इधर लोग होते हैं काम करते ही नहीं, काम करवाते हैं, लेबर्स हायर कर लेंगे, मशीन्स ले लेंगे बड़ी बड़ी, है ना, पैसा देके बहुत सारे गैजेट्स इक्विपमेंट्स देंगे जिससे ऑटोमेटिक काम हो जाएगा ना। अभी तो ऑटोमेटिक मशीन है जिससे फसल कट भी जाती है, लग भी जाती है, जबकि इंडिया में आज भी टिपिकल मेथड्स फसल काटने के लिए वही हसिया का इस्तेमाल होता है ना, और फिर सिकल जिसे बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा साइंस में सिकल, है ना, कुछ इस प्रकार का होता है सिकल, ये कुछ ऐसा देखा होगा आपने, क्वेश्चन मार्क जैसा होता है, हैंडल होता है, इसको पकड़ते हैं और इससे काट देते हैं फसल काटने के लिए, है ना, इसका इस्तेमाल होता है, या फिर फावड़े का इस्तेमाल करते हैं, फावड़ा कैसा आपने देखा होगा, ऐसा फावड़ा होता है, या फिर होए का इस्तेमाल होता है, होए देखे आपने, कुछ इस तरह से होता है, ऐसा हैंडल लगा होता है, घास छिलने के लिए काम आता है, इस तरह से ऐसे ऐसे घास छिलते हैं, कुछ ऐसा होता है वो, फावड़ा तो आप जानते ही हैं। तो इस तरह के मेथड्स लगा कर क्या की जाती हैं, फार्मिंग की जाती है, कहाँ पर, यूएसए और इंडिया में। तो स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर करें दोनों की, तो कंपेयर में पता चलता है कि इंडिया का जो एवरेज साइड फार्म साइज है वो क्या है, 1.5 हेक्टेयर है, जबकि यूएसए का कितना है, 250 हेक्टेयर, यानी जो डेवलपिंग नेशन होते हैं वहाँ पे फॉर्म साइज छोटा होता है, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं वहाँ फॉर्म साइज बड़ा होता है, ठीक। दूसरी बात, डेवलपिंग कंट्रीज में खेती की जाती है सेल्फ की जरूरत पूरी करने के लिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जबकि डेवलप्ड नेशन में जो फार्मिंग की जाती है वो कॉमर्शियल पर्पज के लिए की जाती है, ढेर सारा उगाया जाता है ताकि बेच के पैसा कमाया जाए, बिजनेस किया जा सके, ठीक। यहाँ पे जो है हेल्प और एडवाइस मिलते हैं किनसे, गवर्नमेंट ऑफिसर से या फिर फैमिली के मेंबर्स और वेजर से ही मिलती है, जबकि यहाँ पर हेल्प मिल जाती है डायरेक्ट, इक्विपमेंट गवर्नमेंट की हेल्प मिलती है, सैटेलाइट से व्यू मिलता है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, ठीक। यहाँ के किसान क्या करते हैं, डेवलप कंट्री के, डेवलप नेशन के, पूरे प्रॉपर मेजर्स अपनाते हैं, सारे उपाय करते हैं जिससे क्या किया जा सके कि पेस्ट और जो भी फर्टिलाइजर डालना है, पेस्ट मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो दवाई डालनी है, घास फूस खत्म करने की जो दवाई डालनी है, वो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर, इसका कितना अमाउंट इस्तेमाल करना है प्रॉपरली इनको पता होता है, इनको ऑर्डर मिलता है, इनको सजेशन मिलता है, इन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, सैटेलाइट से कनेक्शन मिलता है कि अगले आने वाले एक हफ्ते तक बारिश नहीं होगी तो आप लोग अभी फसल ना लगाएं, या फिर आने वाले 10 दिन में बहुत बारिश होने वाली तो आप लोग तैयारी कर दीजिए, फटाफट फसल लगा लीजिएगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, जबकि हमारे यहाँ पर इंडिया में ये बात सब जगह पर नहीं है, बड़ी बड़ी जगहों पर तो मिल जाती है, लेकिन अधिकतर किसान आज भी ऐसे हैं जहाँ पर हमारे देश में बिजली नहीं पहुँची है, जहाँ पर कंप्यूटर या फिर ऐसे टीवी चैनल सिग्नल्स नहीं है जहाँ पर वो क्या कर सके, न्यूज़ के थ्रू ये सब बातें जान सके, है ना। तो ये प्रॉब्लम है, और
ये लोग यूएसए के लोग सॉइल टेस्टिंग प्रॉपर टाइम 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 कराते रहते हैं, रेगुलर टाइम पे कराते रहेंगे, तो इन्हें पता चलते रहेगा कि इनके सॉइल में किस चीज़ की कमी है। जबकि इंडिया में ये चीज़ नहीं हो पाती है। इंडिया में क्या होता है, सॉइल टेस्टिंग तो होती ही नहीं क्योंकि लेबोरेटरी ही नहीं है, और ऊपर सॉइल टेस्टिंग होगी तो किसान को बहुत दूर जाना पड़ता है टेस्टिंग कराने, तो परेशान होकर नहीं कराता है, और उसे ज़्यादा इस चीज़ की जानकारी भी नहीं है, अवेयरनेस की भी कमी होती है हमारे फार्मर्स, क्योंकि वो अधिकतर तो रूरल एरियाज के होते हैं और अनएजुकेटेड होते हैं या फिर कम लिटरेट होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, जबकि यहाँ के फार्मर्स तो बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट लोग खेती करते हैं, बिजनेसमैन की तरह करते हैं, तो ये लोग साइंटिस्ट हायर भी कर लेते हैं कि इतना पैसा है कि कैसे खेती बढ़ाई जाए, है ना, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, जबकि इंडिया में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। इंडिया में तो स्टोरेज फैसिलिटी तक अवेलेबल नहीं है ढंग से, या फिर है भी तो फिर भी किसानों को फोर्स किया जाता है कि वो अपना सामान किसको बेचे, नॉर्मल मंडी में जाकर कृषि मंडी में मार्केट में बेच दे, यानी भले उनका नुकसान क्यों ना हो रहा ताकि ट्रेडर्स का फायदा होते रहे, जबकि वैसे में ऐसा नहीं होता, वो लोग खुद का इतना बड़ा फॉर्म है उनके पास कि वो स्टोरेज फैसिलिटी भी रखते हैं और मॉडर्न मेथड्स भी रखते हैं खेती करने के। तो स्टूडेंट्स ये बात हमें पता चले कंपेयर करने से, और एक लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है कि द फार्मर इन इंडिया वर्क एज ए पीजेंट व्हाइल द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेसमैन रेदर देन ए फार्मर, वो किसान की तरह कम और बिजनेसमैन की तरह काम ज्यादा करता है। कहाँ का फार्मर एक डेवलप कंट्री का यूएसए का, जबकि इंडिया में क्या होता है ऐसा नहीं हो पाता है। इंडिया का जो फार्मर होता है वो कैसे वर्क करता है, अभी भी एक पीजेंट की तरह, एक किसान की तरह ही वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंपैरिजन दो कंट्रीज के बीच, एक यूएसए के बीच और एक इंडिया के बीच। तो आज हमने देखा कि कैसे इंडिया में और कैसे यूएसए में, यानी कि एक डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप कंट्री में फार्म सिस्टम होता है, कैसे खेती की जाती है, और इन दोनों के खेती करके तरीके के बीच कैसा डिफरेंस है, और क्या फायदा होता है, क्या नुकसान मिलता है इनकी खेती करने का, और क्या मकसद होता है। एक जगह मकसद है खुद का पेट भरना, एक जगह मकसद है इतना सारा उगा लेना कि बढ़ती पॉपुलेशन की जरूरत पूरी की जा सके, यानी कॉमर्शियल नीड के लिए उगाया जाता है। तो ये बात कर ली हमने फार्म सिस्टम की। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर और आज का चैप्टर भी क्या होता है समाप्त होता है। तो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी डाउट्स है वो भी कमेंट कीजिए, आपको डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स आप ये वीडियो लेक्चर अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, इसका फायदा सब लोग उठा पाएं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, हम डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए आप और देखते रहिए विद्या स्थली वाले सर।